हिजाब बंदी पर जो उस पर बैन लगा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बैन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जितना ये ड्रेस कोड था इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, मगर अभी भी इसे इसी तरीके से रखा गया है ड्रेस कोड को, अभी इसको हटाया नहीं गया है। हालांकि आपको बता दूं आज ही फैसला आया है, 2 घंटे से अधिक समय हो चुका है और जो यहाँ के जितने भी प्रिंसिपल है और सुबोध आचार्य जी है जिनसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ, मैं हुसैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर के एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज के खिलाफ 9 छात्राओं ने पहले तो इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात की, एजुकेशन कमीशन से बात की, इनके जितने भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल से बात की, मगर प्रिंसिपल ने इनकी किसी की बात नहीं मानी। इसके बाद में 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बैन हिजाब बंदी पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद में ये पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पर आज ये फैसला आता है कि जो हिजाब बंदी है जिस पे बैन लगाया गया है वो पूरी तरह से हटा दी गई है। हालांकि इंट्रीम राहत दे दी गई है पूरे जितने भी तमाम छात्र थे हिजाब बंदी को लेके जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें इंट्रीम राहत तो मिल चुकी है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिसका जवाब तलब करने के लिए 18 नवंबर की तारीख दी गई है। हम आपको लगातार इस क्षेत्र की खबर दिखा रहे थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ बोला है और कई ऐसे सवाल किए हैं जिसके बाद में अब इनसे 18 नवंबर को जवाब मांगा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये जो नोटिस लगाया हुआ है अभी तक ये नोटिस निकाला नहीं गया हुआ है। साफ तौर पर इस नोटिस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जितना ये ड्रेस कोड था इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मगर अभी भी इसे इसी तरीके से रखा गया है ड्रेस कोड को, अभी इसको हटाया नहीं गया है। हालांकि आपको बता दूं आज ही फैसला आया है, 2 घंटे से अधिक समय हो चुका है और जो यहाँ के जितने भी प्रिंसिपल है और सुबोध आचार्य जी है जिनसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें शायद इस फैसले के बारे में अभी तक पता नहीं चला होगा, मगर तमाम तरीके से जिस तरीके का ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो कि फिलहाल इंटिम राहत दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कह दिया है अगर आप नकाबबंदी हिजाबबंदी पे बैन लगाते हैं, और जिसका कारण कॉलेज ने ये दिया था कि जिस तरीके से धार्मिक प्रदर्शनों को ये उजागर करता है, तो उसी तरीके सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी उजागर कर दिया है कि बिंदी पर भी और तिलक पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर आपको किसी के धर्म को उजागर नहीं करना है तो आप बिंदी और तिलक पर भी क्यों नहीं बैन लगाते हैं। क्या एक ही समुदाय को इस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि यही कॉलेज है, इसी कॉलेज के बाहर जिस तरीके से ये बैन लगाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी इस कॉलेज के बाहर ये नोटिस जो दिख रहा है आपको साफ तौर पर तस्वीरों में, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, क्लियर दिया गया है इस नोटिस में जितने भी तमाम तरीके के दिए गए थे इन सब पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मगर अभी भी ये नोटिस उसी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इसे अभी तक हटाया नहीं गया है प्रशासन की तरफ से, और शासन की तरफ से पुलिस के कड़े बंदोबस्त भी इस कॉलेज में दे दिए गए थे जिस तरीके से हमने हिजाब बंदी के फैसले को देखा था। उसके बाद में जो यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर तक का इंटरिम राहत ज़रूर दिया है और कॉलेज के और एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जवाब तलब करने की बात कही है। अब देखना ये रहेगा कि 18 नवंबर को क्या कुछ इनकी तरफ से जवाब दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कह दिया लड़कियों को जो पहनना है उन्हें पहनने दिया जाए, क्योंकि अगर इनका ये फैसला रहता है तो ये अगेंस्ट इम्पावरमेंट वुमेन हो सकता है, क्योंकि जो सशक्तिकरण होता है महिलाओं का तो उसी तरीके से उस पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। और इसके कॉलेज ने ये भी हवाले देते हैं कि कई लड़कियों को इस फैसले पे एतराज़ नहीं है, मगर कई लड़कियों को इस पे एतराज़ है जो इस फैसले को देखते हुए हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से उन्हें फटकार लगी, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब 18 नवंबर तक का राहत मिल चुकी है
और अब देखना ये रहेगा कि 18 नवंबर तक का प्रिंसिपल और एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। हालांकि ये तमाम तरीके का जो नोटिस लगाया गया अभी तक ये नोटिस भी नहीं निकाला गया है। अब देखना ये रहेगा कि नोटिस को कब तक निकाला जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस को नहीं जाए तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये नोटिस हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये नोटिस लगा के कई छात्राओं को अंदर घुसने नहीं दिया गया था, इमरजेंसी में नोटिस लगाया गया था, और सबसे बड़ी बात तो ये व्हाट्सएप पे सबको नोटिस भेजकर जिस तरीके से एक कड़क पाबंदी लगाई गई थी, कई छात्राओं को अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा था। हमने यहाँ से आपको लाइव खबर भी दिखाई थी किस तरीके से बुरके में हो या टी शर्ट में लड़के हो, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इंटरिम राहत मिल चुकी है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाला फैसला क्या कुछ होता है, हम आपको उसकी भी अपडेट देते रहेंगे और कई छात्रों से हम बात करने की आने वाले वक्त में कोशिश भी करेंगे इस फैसले को ये छात्र किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि फिलहाल तो हिजाब बंदी तो लगा दी गई थी, मगर जो है आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बाद में हिजाब बंदी पर जो पाबंदी लगाई थी उस पर अब रोक लगा दी गई है, और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ इस कॉलेज में क्या कुछ पेश किया जाता है कोर्ट में, हम आपको वो भी दिखाएंगे। क्या कुछ अपनी दलील दी जाती है हम आपको वो भी दिखाएंगे। कई स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि याचिकाकर्ताओं से हमारा अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है, इसके लिए उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में जिस तरीके से उनके कुछ फैसले को रखा गया था उसके बाद में इन्हें वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से आज 18 नवंबर तक का राहत मिल चुकी है, और आगे क्या कुछ अपडेट आते रहेंगे हम आपको उसके बारे में देते रहेंगे जानकारी। कैमरा पर्सन आमिर सैद, जैन सैद, मुंबई टीवी।